शराब घोटाले का के फैक्टर ढूंढने में ईडी को महीनों लग गए। के कविता और अरविंद केजरीवाल की मिलीभगत की कड़ियों को जोड़ने में ईडी की मेहनत कैसे रंग लाई और कैसे के कविता की गिरफ्तारी के एक हफ्ते के भीतर ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए, इस रिपोर्ट में हम पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। केजरीवाल टू कविता, 100 करोड़ का शराब घोटाला। 100 करोड़ रुपए के दिल्ली शराब घोटाले को पूरी तरह से समझने के लिए जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। ईडी के दावे के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस चीफ केसीआर की बेटी के कविता 100 करोड़ के शराब घोटाले में मुख्य रूप से शामिल है। इन तस्वीरों में देखने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ बीआरएस की नेता के कविता गिरफ्तारी के वक्त शांत, निश्चिंत और खुद का हौसला बढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ईडी की गिरफ्त में आने के बाद से केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव काफी बदल गए हैं। केजरीवाल का चेहरा देखकर साफ कहा जा सकता है कि उन्हें एहसास हो गया है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हम इन दो तस्वीरों से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि के कविता और केजरीवाल दोनों शराब घोटाले में फंसे हैं, लेकिन के कविता केजरीवाल की तुलना में ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या के कविता केजरीवाल के लिए शराब घोटाले में बड़ी मुसीबत बन चुकी है? शायद केजरीवाल के दिल में इसका डर बैठ गया है। इस के कांड के दो कड़ियों को मिलाने में ईडी को महीनों का वक्त लगा। पहली कड़ी के कविता और दूसरी कड़ी अरविंद केजरीवाल। एक हफ्ते के भीतर के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अगर के कविता गिरफ्तार नहीं होती तो शायद अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार नहीं होते। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता भी ईडी की रिमांड पर है और अपने बयानों में अनेक ऐसी महत्वपूर्ण बातों का खुलासा कर रही है जो आने वाले दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बन सकते हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक कविता अपने बयानों में सिलसिलेवार तरीके से बता रही है कि रिश्वत का पैसा किस तरह से आम आदमी पार्टी तक पहुंचा। आने वाले दिनों में ईडी अपने हेडक्वार्टर में के कविता और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना करा सकती है। इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले के कविता की गिरफ्तारी ईडी ने किस आधार पर की, ये समझना जरूरी है। दरअसल जून 2021 में हैदराबाद के आईटीसी कोहिनूर में एक बैठक हुई थी। इस मीटिंग में विजय नायर ने कुछ फंडों पर चर्चा की थी जिन्हें हैदराबाद से दिल्ली ट्रांसफर किया जाना था। उन्होंने फंड ट्रांसफर की जिम्मेदारी दिनेश को सौंपी। दिनेश ने दिल्ली भेजे जाने वाले फंड के लिए के कविता के एक अन्य सहयोगी अभिषेक बोयिनपल्ली से मिले। अभिषेक बोयिनपल्ली की गिरफ्तारी के बाद ईडी के हाथ मगुंटा राघव रेड्डी और शरद चंद्र रेड्डी के गिरफ्तार तक पहुंच गए और दम घोटता देख दोनों आरोपी सरकारी गवाह बन गए। तब दोनों ने वो दो नाम लिए जिनकी ईडी को बेसब्री से तलाश थी। वो नाम थे के कविता और अरविंद केजरीवाल। ईडी पहले 10 करोड़ फिर 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। ईडी बुच्ची बाबू के जरिए 2 बार कैश ट्रांसफर हुए। ईडी गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ। ईडी सीएम आवास के पास रहता था विजय नगर। ईडी घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ। ईडी केजरीवाल के कविता के लिए काम कर रहा था नायर। ईडी शराब घोटाले के किंग पिन है केजरीवाल। ऐसे बयानों के आधार पर केस बना रहे हैं जो उन्होंने ऐसे लोगों से लिए हैं जिनको पहले वो अरेस्ट करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, जेल में रखते हैं और फिर जमानत का लोभ दिखाकर उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान लेते हैं। आज जो इस देश में हो रहा है वो कोई जांच नहीं हो रही है, वो कोई केस नहीं चल रहा है। आज इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दिल्ली के 100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले कांड को के कांड क्यों कहा जा रहा है, जरा इसे भी समझ लीजिए। ईडी के दावों के मुताबिक शराब घोटाले का मुख्य सरगना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, जबकि दूसरी तरफ उनका घोटाले में साथ देने वाली बीआरएस नेता के कविता हैं। केजरीवाल का मुख्य रूप से साथ मनीष सिसोदिया ने दिया है, जबकि के कविता का साथ अभिषेक बोयिनपल्ली ने दिया। केजरीवाल का साथ संजय सिंह ने दिया तो वहीं के कविता का साथ मूंगटार राघव रेड्डी ने दिया। केजरीवाल का साथ विजय नायर ने दिया तो वहीं के कविता का साथ शरद चंद्र रेड्डी ने दिया।
ये उत्पीड़न की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है, और इसमें दो राय नहीं हो सकती कि विपक्षी एकता से इंडिया गठबंधन, जो न केवल गठबंधन है पर जनबंधन है, उससे घबराई हुई है बीजेपी, बौखलाई हुई है। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल टू कविता, 100 करोड़ का शराब घोटाला। और जिस 100 करोड़ की रिश्वत का आरोप शराब घोटाला मामले में लग रहा है, उस 100 करोड़ की मनी ट्रेल का कनेक्शन गोवा से कैसे जुड़ रहा है, अब जरा वो समझिए। ईडी के मुताबिक 100 करोड़ की रकम से कुछ पैसे गोवा में खर्च हुए। गोवा चुनाव में आपके लिए काम करने वाले लोगों को कैश में भुगतान किया गया, ऐसा ईडी का दावा है। ईडी के मुताबिक पहले 10 करोड़, फिर 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। सत्य तो ये है, 2024 में चुनाव में जनता कभी भी ये अली बाबा और 40 चोर वाली टोली पे विश्वास नहीं करेगी, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी कर रहे हैं। I made allegations which are borne out from the record. Whatever evidence is there, we give to the... ईडी जानना चाहती है कि रिश्वत का जो पैसा के कविता और उसके सहयोगियों के जरिए आम आदमी पार्टी तक पहुंचा, उसका रूट अरविंद केजरीवाल तक कैसे था, उसका मनी ट्रेल अरविंद केजरीवाल तक कैसे पहुंचा, ये पैसा गोवा सीधे भेज दिया गया या फिर ये पैसा दिल्ली होते हुए गोवा गया। इस मनी ट्रेल को पुख्ता करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जल्द ही अनेक दस्तावेजों और गवाहों से अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराएगी। अब ईडी के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठा कर पूछताछ करना चाहती है, लेकिन उससे पहले के कविता से रिमांड के दौरान मिली लीड पर ईडी ने सवालों की लिस्ट तैयार की है, जिसके जवाब वो केजरीवाल से मांग रही है। क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर सरकार चला सकते हैं? क्या देश का संविधान किसी मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने की इजाजत देता है? और क्या देश के कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि जेल जाने के बाद सीएम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है? ऐसे कई सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। पिछले 2 महीने में 2 सिटिंग सीएम गिरफ्तार हो चुके हैं। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से ठीक पहले झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद भी दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो सवाल है कि क्या कोई सीएम जेल से सरकार चला सकता है? अगर कोई सीएम जेल में बंद हो तो क्या वो सरकारी फाइलों पर दस्तखत कर सकता है? क्या वो कैबिनेट की बैठक ले सकता है? और क्या वो अपने मंत्रियों से जेल में मुलाकात कर सकता है? जेल में बंद एक सीएम क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये सवाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से हर किसी के मन में घूम रहा है। तो चलिए देश के संविधान में और कानून की किताब में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी मंत्री को जेल जाने पर पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करता है, लेकिन अगर किसी मंत्री को 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा मिल जाती है तो उसे पद से इस्तीफा देना पड़ता है। संविधान में किसी सीएम को जेल से सरकार चलाने पर भी कोई रोक नहीं है, लेकिन एक पेच जरूर है और वो है जेल अथॉरिटी की मंजूरी। जेल से सरकार चलाना कितना प्रैक्टिकल होगा, ये जेल के नियमों से लेकर जेल प्रशासन की इजाजत पर निर्भर करता है। क्या सीएम केजरीवाल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए या सभी मंत्रियों को बुलाकर कैबिनेट मीटिंग कर सकते हैं, फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं, ये पूरी तरह से जेल प्रशासन की मंजूरी पर निर्भर करता है। बिना जेल प्रशासन की मंजूरी के सीएम केजरीवाल कैबिनेट मीटिंग नहीं कर पाएंगे, यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो जेल से ही सरकार चलाने की मंशा रखते हैं, तो इसमें जेल प्रशासन की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। डेफिनेटली कोई फर्स्ट, ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ, आपके सामने झारखंड के हुए हैं, पहले भी हुआ है लेकिन लालू जी हुए हैं, लेकिन गिरफ्तारी होना अगर किसी के खिलाफ ऑफेंस है, कोई अबाबती लॉ तो है नहीं, चाहे एक्स प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, आपके सामने इंदिरा जी हुई हैं, नरसिम्हा राव जी पर केस चले हैं, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात नहीं। अब जरा भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक परंपरा भी एक नजर डाल ली जाए। किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने वाले अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी सीएम पद पर बने रहने वाले शायद पहले सीएम हो सकते हैं।
और जो जेल से अपनी सरकार चलाएंगे। केजरीवाल से पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने। इस तरह तमिलनाडु में जयललिता भी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुई थी, तब उनके इस्तीफे के बाद पनीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार होने के बाद सीएम पद से इस्तीफा दिया, जिनकी जगह राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। यानी कि कानून बाध्यता न होने पर भी राजनीतिक नैतिकता और परंपरा की लाज रखते हुए इन नेताओं ने सीएम का पद छोड़ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल शायद ऐसा न करें और भारतीय राजनीति में एक नई रवायत शुरू करें, जेल से सरकार चलाने की रवायत।